मूवी की स्टार्टिंग में हम सिमोना को देखते हैं, वो अपने प्रेमी के साथ घपाघप कर रही थी। इसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। सिमोना की शादी मार्को नाम के एक आदमी के साथ हो गई थी। साथ ही सिमोना आसपास के लोगों को योगा भी सिखाती थी। योगा करने के बाद एक दिन जब वो अपने घर जा रही थी, तभी वो रास्ते में एक कपल को रोमांस करते हुए देखती है। ये देखकर सिमोना का भी मूड बन जाता है और वो जल्दी जल्दी घर पहुंच जाती है। घर में वो मार्को के लिए अच्छा सा डिनर बनाती है और इसके बाद वो अच्छे से तैयार भी हो जाती है। फिर जब मार्को घर आता है तो सिमोना का मूड देखकर वो काफी खुश होता है। वो समझ जाता है आज सिमोना के जिस्म में कुछ ज्यादा ही आग लगी है और मुझे काफी मेहनत करके उसके इस आग को शांत करना होगा। फिर जैसे ही दोनों प्यार करना शुरू करते हैं, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ये देख सिमोना भागते हुए बाहर जाती है और बाहर रखे सामान को समेटने लगती है। फिर जब वो काम खत्म करके अंदर आती है तो सिमोना का भीगा हुआ बदन देखकर मार्को का हथियार तैयार हो जाता है। इसके बाद सिमोना अपने कपड़े उतार कर मार्को के पास आ जाती है और वो सोफे पे ही मार्को के हथियार पे बैठ जाती है। इसके बाद दोनों सारी रात दबाकर घपाघप करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिमोना अपने डॉगी को लेकर बाहर जाती है, लेकिन अचानक उसे कल रात की बातें याद आने लगती है और उसका शरीर हवस के मारे मचलने लगता है। फिर जब वो अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में वो अपनी दोस्त मैरी से मिलती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद सिमोना अपने घर लौट जाती है। इसके बाद हम सिमोना को एक योगा क्लब में देखते हैं। यहाँ वो लड़कियों को योगा सिखा रही थी। इसी बीच मार्को अपने ऑफिस से सिमोना के क्लब में कॉल करता है और वो कहता है आज रात हमें एक पार्टी में जाना है, तुम अच्छे से तैयार रहना। फिर शाम में पार्टी से लौटने के बाद दोनों काफी थक गए थे। इसके बाद सिमोना मार्को से कहती है आज मैं काफी थक गई हूँ और इसलिए तुम आज डॉगी को बाहर घुमाकर ले आओ। इस पर मार्को उसे मना करते हुए कहता है आज इसे बाहर घुमाने की तुम्हारी बारी है। ये सुनकर सिमोना अपने डॉगी को लेकर बाहर निकल जाती है। फिर जब वो डॉगी को घुमाकर वापस आ रही थी तो यहाँ वो अपनी दोस्त मैरी को देखती है। मैरी अंधेरे में एक गाड़ी के अंदर अपने सुरंग की खुदाई करवा रही थी। यहाँ पे मैरी भी सिमोना को देख लेती है और उसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। मैरी के ऐसे भागने से उस आदमी का खड़ा ही रह जाता है। उसे सिमोना पे काफी गुस्सा भी आता है क्योंकि मैरी उसे ही देखकर भागी थी। फिर वो आदमी धीरे धीरे सिमोना के पास आता है। डर के मारे सिमोना अपने घर की ओर जाने लगती है, लेकिन वो आदमी भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और देखते ही देखते वो सिमोना को पकड़कर उसकी खुदाई करने लगता है। इस आदमी को तो बस अपना हवस मिटाना था, फिर चाहे वो सिमोना के साथ हो या मैरी के साथ। सिमोना के गुफा को पानी से भरने के बाद वो वहां से लौट जाता है। इसके बाद सिमोना जब घर आती है तो वो घर पे मार्को को देखती है। मार्को सोफे पे बैठकर टीवी देख रहा था। सिमोना उसे आज वाले कांड के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पे सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्को और सिमोना गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तभी कार रुकवाकर सिमोना मार्को से कहती है क्या हम गाड़ी में ही रोमांस कर सकते हैं, लेकिन मार्को उसे मना कर देता है। ये सुनकर सिमोना का मूड ऑफ हो जाता है और इसके बाद वो नाराज होकर गाड़ी से निकल जाती है। फिर सिमोना को मनाने के लिए मार्को उसे पास के ही एक रेस्टोरेंट में ले आता है। खाने के टाइम मार्को सिमोना से बातें कर रहा था, मगर सिमोना के गुफा में तो आग लगी थी। इसी रेस्टोरेंट में एक और आदमी भी होता है और वो काफी देर से सिमोना को देख रहा था। अपने पति की ठंडी बातों से परेशान होकर सिमोना उस आदमी को रिझाने का ट्राई कर रही थी। इसके बाद हम मार्को और सिमोना को रेस कोर्ट में देखते हैं। वो रेस्टोरेंट वाला आदमी भी यहीं पे होता है। हवस की प्यासी सिमोना यहाँ भी उसी को देख रही थी और अपनी गर्मी से उसे रिझाने का ट्राई भी कर रही थी। इसके बाद सिमोना बहाना बनाकर वॉशरूम में पहुंच जाती है। वो आदमी भी सिमोना का पीछा करते हुए यहाँ पे पहुंच जाता है। उस आदमी के हाथ में एक बड़ी सी बंदूक थी, लेकिन सिमोना इस बंदूक से ज्यादा उसके पैंट के अंदर वाली बंदूक की प्यासी थी। फिर सिमोना उसके पैंट को नीचे उतारकर उसके बंदूक को चूसने लगती है। फिर वो आदमी यहीं पे सिमोना के अंदर अपना पूरा बंदूक फायर कर देता है। इसके बाद हम सिमोना को योगा क्लब में देखते हैं। यहाँ कुछ लोग उसके योगा की वीडियो बना रहे थे। यहाँ पे जॉन नाम का एक आदमी भी होता है। वो सिमोना के जिस्म को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। जॉन सिमोना के साथ घपाघप करना चाहता है, लेकिन सिमोना उसे मना करके यहाँ से चली जाती है। जॉन भी सिमोना का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन यहाँ भी सिमोना उसे मना करके अपने घर लौट जाती है। जॉन की बातों से सिमोना के गुफा में आग लगी हुई थी। सिमोना मार्को से अपने प्यास को शांत करने के लिए कहती है।
फिर मार को भी दबाकर सिमोना की प्यास को शांत करता है। धीरे धीरे सिमोना हवस की पुजारन बनती जा रही थी। अब हर समय उसे अपने सुरंग में हथियार चाहिए होता है और इसलिए मार्को भी अब सिमोना से परेशान होने लगा था। फिर एक दिन मार्को सिमोना से कहता है, आज रात मेरा एक दोस्त अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे डिनर के लिए आने वाला है। शाम होते ही वो दोनों सिमोना के घर पे पहुँच जाते हैं और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है। जॉन को देखकर सिमोना चौंक जाती है। फिर मौका मिलते ही जॉन सिमोना को यहाँ वहाँ टच करने लगता है और सिमोना भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकती है। इसके बाद चारों एक होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अचानक जॉन की वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है। इसी बीच सिमोना टहलते हुए होटल से बाहर निकल जाती है। उसे जाता देख जॉन भी बहाना बनाकर सिमोना के पास पहुँच जाता है। बाहर आने के बाद वो सिमोना के साथ इंटीमेट होने लगता है और उसे घोड़ी बनाकर उसके अंदर अपना हथियार डाल देता है। हवस से भरी सिमोना भी उसका साथ दे रही थी और वो उसे दबाकर करने को कहती है। तभी सिमोना को ढूंढते हुए मार्को भी वहाँ पे पहुँच जाता है। सिमोना को जॉन के साथ घपाघप करता देख वो चौंक जाता है। फिर गुस्से में आकर वो जॉन को बहुत मारता है और सिमोना को वहीं छोड़कर अपने घर लौट जाता है। फिर मार्को सिमोना को अपने घर से भी निकाल देता है। इसके बाद सिमोना अपना सामान लेकर अपने दोस्त जूलिया के पास जाती है। सिमोना मार्को से अलग होकर काफी उदास होती है क्योंकि वो मार्को से बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी हवस मिटाने के चक्कर में वो मार्को से दूर हो गई। वो दिन भर मार्को को याद करके रोती रहती है। ये देखकर जूलिया उससे कहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ। फिर जूलिया सिमोना को लेकर एक पार्टी में आती है। इस पार्टी में जूलिया के दोस्त भी होते हैं। यहाँ पे सब लोग सिमोना को समझाते हुए कहते हैं, अगर तुम सचमुच मार्को से प्यार करती हो तो तुम उससे जाकर माफी मांग लो। ये सुनने के बाद सिमोना मार्को से माफी मांगने के लिए निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आती है उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि यहाँ पे मार्को किसी और के साथ घपाघप करने में बिजी था। ये देखकर सिमोना चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। इसके बाद हम सिमोना को योगा क्लास में देखते हैं। क्लास के बाद जब वो जूलिया के घर जा रही थी तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के देखती है लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है एक आदमी उसे पकड़कर उसके साथ घपाघप करने लगता है। घपाघप करने के बाद वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और अंधेरा होने की वजह से सिमोना उसे देख भी नहीं पाती है। तभी उसे वहाँ पे एक ब्रेसलेट मिलता है। ब्रेसलेट देखकर सिमोना समझ जाती है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्को था। फिर वो भागते हुए मार्को के पास आती है और मार्को से पूछती है, क्या वो तुम थे? इस पर मार्को हाँ कहता है। फिर सिमोना मार्को से रोते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। यहाँ पे मार्को भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद हम दोनों को कैंडल लाइट डिनर करते हुए देखते हैं। डिनर करने के बाद दोनों यहीं पे शुरू हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।